पूरे 2 साल बाद शुरू होने जा रही है कांवड़ यात्रा। जी हां, कोविड-19 के चलते पूरे 2 सालों से कांवड़ यात्रा पर लगी थी रोक, लेकिन इस बार 14 जुलाई से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। यात्रा को लेकर यूपी के सीएम ने दिए बड़े आदेश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और पब्लिक आई टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सावन के महीने की शुरुआत हो गई है और पूरे 2 साल बाद कांवड़ यात्रा शुरू की जाएगी, लेकिन जो शिव भक्त है, कांवड़िए हैं, उनके मन में कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत सारे सवाल है। क्या कांवड़ यात्रा में बजेगा डीजे या फिर रूट डाइवर्जन को लेकर क्या कुछ कहा गया है और कांवड़ यात्रा के क्या नियम बने हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है, उसमें तमाम तरह के नए निर्देश दिए गए। योगी ने साफ कहा है कि डीजे बजाने की इजाज़त तो है, लेकिन एक लिमिट वॉल्यूम में, कान फाड़ू व्यवस्था पर बचा जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे पर सिर्फ भगवान शिव के ही गाने बजेंगे, कोई भी फिल्मी गाना नहीं बजाया जाएगा, जिसके कारण कोई भी माहौल खराब ना हो। इस बात को लेकर योगी ने मुहर्रम को लेकर भी बड़ा बयान दिया है कि मुहर्रम में डीजे एक नॉर्मल वॉल्यूम में ही बजे, कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के जुलूस को अलग अलग रूट से निकाला जाए और दोनों ही यात्रा में अस्त्र और शस्त्र लेकर जाना वर्जित है। यानी कि अगर किसी भी कांवड़ियों को कांवड़ यात्रा में त्रिशूल लेकर जाना है तो उसको पहले प्रशासन से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा तलवार, छुरी या फिर एयरगन को ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। पूरी कांवड़ यात्रा की निगरानी हेलीकॉप्टर से रखी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आस्था और धर्म का सम्मान करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा का जो रूट होगा उस पर ना तो मांस बेचा जाएगा और ना ही खरीदा जाएगा। इन सभी बातों को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो पब्लिक आई टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें। कांवड़ यात्रा की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.publicitips.com पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।